नमस्कार दोस्तों, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने 15,000 रुपये के नीचे 7 फोन्स के बारे में बताया था जिनकी बैटरी बहुत अच्छी है। और वैसे देखिए, इंडिया में मैक्सिमम लोग जब फ़ोन खरीदते हैं तो या तो बैटरी या कैमरे के लिए खरीदते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 15,000 रुपये के नीचे 7 ऐसे फोन्स की बात करेंगे जिनका कैमरा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए देखते हैं वो फोन कौन से है। तो दोस्तों, जो पहला फोन इस लिस्ट में है और इस फोन की हम लोग ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं, वो है कूलपैड कूल वन। अब इसमें 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है f2.0 अपर्चर के साथ। और ये एपर्चर क्या होता है, मेगापिक्सल और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर आशीष ने ऑलरेडी एक अच्छा एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो डुअल कैमरा है और ये आउटडोर लाइट में काफ़ी अच्छी फोटोज़ लेता है। और इसमें एक मोनोक्रोम कैमरा है तो इससे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ और कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। और इसका सेल्फी कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है f2.2 अपर्चर के साथ। तो जिनको सेल्फीज लेना काफ़ी पसंद है उनके लिए भी ये काफ़ी सूटेबल है। इसके अलावा इस फ़ोन के जो बाकी स्पेक्स है, चाहे आप बैटरी बोले या प्रोसेसर रैम, काफ़ी दमदार है। तो इस प्राइस रेंज में ये एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। देखिए, इस प्राइस रेंज में कैमराज में लो लाइट फ़ोटोज़ उतने अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि उसके लिए अच्छे सेंसर्स की ज़रूरत होती है जो कि थोड़े हाई एंड फोन्स में मिलता है। तो ओवरऑल कूलपैड कूल वन इस रेंज में एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो दोस्तों, नेक्स्ट फ़ोन के बारे में बात करने से पहले मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि टॉप 7 है, ये सारे 7 फ़ोन ही आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि सारे लिंक्स जो बाय नाउ लिंक्स है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उन लिंक्स को क्लिक करके डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं। तो अब नेक्स्ट फ़ोन के बारे में बात करते हैं, वो है मोटो G4 प्लस। और काफ़ी रिलायबल ब्रांड है मोटोरोला, जैसा कि आप जानते ही है, और इसमें जो एंड्रॉयड है वो भी स्टॉक एंड्रॉयड है। और इसका जो कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, और इसका कैमरा वाकई काफ़ी अच्छा है। और आउटडोर लाइट में तो ज़्यादातर कैमराज अच्छे काम करते ही है, बट ये वाला जो कैमरा है इस लिस्ट में लो लाइट फोटोग्राफी में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है। इसमें लेज़र ऑटो फोकस और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ओवरऑल मोटो G4 प्लस एक कंप्लीट पैकेज है इस रेंज में, तो इसको भी आप कैमरे के लिए भी 15,000 के नीचे चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट फ़ोन इस लिस्ट में है उसमें है 16 मेगापिक्सल का कैमरा f2.0 एपर्चर। और जैसा कि मैं मोटो G4 प्लस में बता रहा था, इसमें भी लेज़र ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, और इसके अलावा सोनी का IMX298 सेंसर भी है जो कि यूजुअली हाई एंड फोन्स में मिलता है। तो ये फ़ोन है नूबिया Z11 मिनी, ये 12,999 में आपको मिल जाएगा। और कैमरे के मामले में तो सही में ये काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्पेक्स देखें, प्रोसेसर रैम वगैरह, और उसके अलावा चूंकि ये अभी एंड्रॉयड लॉलीपॉप पे है तो अपडेट्स का अभी सीन क्लियर नहीं है, तो ओवरऑल शायद ये फ़ोन उतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप खाली कैमरे के लिए ख़रीदना चाहते हैं इस रेंज में, तो ये एक अच्छा पिक होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने गाइडिंग टेक हिंदी यानी GT हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट के नेक्स्ट फ़ोन की, और ये 13,499 में आपको मिलेगा। इसका नाम है लेनोवो ज़ूक Z1 या Z1, वैसे तो Z को अमेरिका में Z प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कंपनीज Z बोलना पसंद करती है, कुछ कंपनी Z बोलती है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एनीवे, Z1 ही बोलते हैं अभी। तो लेनोवो ज़ूक Z1, इसमें सोनी का सेंसर है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा चलते हुए फोटो ले, या मतलब अगर शेक हो जाए आपका हाथ, तो ये उसमें ब्लर इफेक्ट कम कर देता है, उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो ये इस रेंज में शायद ही आपको किसी फ़ोन में मिलेगा। और इसका फ्रंट कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है, तो अच्छा कैमरा है। और ओवरऑल इस फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी अच्छी है,
तो ये भी अगर आप OIS चाहते हैं इस रेंज में अपने फ़ोन कैमरा में तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट पे पांचवें नंबर के फ़ोन की, और वो है Honor 5C। ये अभी तक जितने भी हम लोगों ने फ़ोन्स की बात करी है उससे थोड़ा सा और सस्ता है, 10,999 में आपको मिल जाएगा। और इसमें 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसका अच्छा कैमरा है, अगर आप आउटडोर लाइट में फ़ोटोज़ लें तो अच्छी फ़ोटोज़ आती है, काफ़ी सेल्फीज़ भी काफ़ी अच्छी आती है, और स्पेशली अगर HDR फ़ोटोज़ आप लें तो वो इस फ़ोन में काफ़ी अच्छी आती है। और ओवरऑल इसके स्पेक्स भी ख़राब नहीं है, 5 इंच का काफ़ी बड़ा स्क्रीन मिलता है आपको, HD स्क्रीन, तो इस फ़ोन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं अगले फ़ोन पे इस लिस्ट में, और ये काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है, आप सभी लोग इसके बारे में शायद जानते ही होंगे। ये है Redmi Note 3। बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री हुई है, अभी रिसेंटली Xiaomi ने अनाउंस किया था कि इन लोगों ने एक साल में $1 बिलियन का रेवेन्यू कर लिया है खाली इंडिया सेल से, और मुझे लगता है कि Redmi Note 3 इनका सबसे ज़्यादा बिका है। और इस फ़ोन में जो 3GB वर्जन है वो 11,999 का है, और जो 2GB वर्जन है वो आपको 9,999 मिल जाएगा। और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, अच्छे फ़ोटोज़ लेता है, कलर्स काफ़ी अच्छे रिप्रोड्यूस करता है, लो लाइट में भी इस प्राइस रेंज में इसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। और हम लोगों ने Lyco Lart 2 को इस लिस्ट में नहीं पिक किया, उसकी जगह हम लोगों ने Redmi Note 3 को रखा है, क्योंकि हमारे टेस्ट में Redmi Note 3 का कलर रिप्रोडक्शन Lart 2 से बेटर था। तो इसीलिए मतलब आप लोगों से कई लोग पूछ सकते हैं कि Lart 2 क्यों नहीं है इस लिस्ट में, तो उसका ये जवाब है। तो ओवरऑल Redmi Note 3 एक अच्छा पिक हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्क्रीन साइज इसका पसंद नहीं है, अगर आप थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन चाहते हैं, तो जो Mi Max है 14,999 का, उसमें सेम कैमरा है और वो सेम ही फोटोज लेता है, तो आप वो वाला भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि Redmi Note 4 भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप वेट करना चाहें तो उसके लिए वेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे Asus Zenfone 3 Max की। ये फ़ोन रिसेंटली लॉन्च हुआ था और हम लोगों ने इसका काफ़ी डिटेल में कैमरा रिव्यू भी किया था, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसमें 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ओवरऑल आउटडोर लाइट में तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ लेता है, लो लाइट में थोड़े से इश्यूज़ है, बट इस फ़ोन के कैमरा का जो USP है वो है मैनुअल मोड। जी हाँ, इसमें मैनुअल मोड सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, जिससे आप वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और इस फ़ोन के कैमरे से वीडियोस काफ़ी अच्छे आते हैं, तो अगर आप वीडियोस ज़्यादा लेना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फोटोज़, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 7 फ़ोन जो कि 15,000 रुपये के नीचे आपको मिल जाएंगे और जिनका कैमरा काफ़ी अच्छा है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और इस वीडियो को लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक के लिए बाय बाय।